हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी अपकमिंग मेजर वैकेंसी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ड्रीम है एम्स में या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अब नर्सिंग ऑफिसर बनने का। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी जून जुलाई वाले सेशन में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जेएनएम करके निकले हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसी होने वाली है। तो जो मेजर वैकेंसी उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कितनी पोस्ट है, एग्जाम कब हो सकता है और उसके लिए आपको अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा, नोरसेट प्री का एग्जाम हो चुका है 7 का और अब नोरसेट 8 आने वाला है। तो एक बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने सुन ली होगी कि आने वाले टाइम में नेक्स्ट एग्जाम जब भी होगा एम्स नोरसेट 8 का, उसमें ईएसआईसी भी अपनी वैकेंसी देने वाला है। तो मींस ईएसआईसी का एग्जाम भी जो 3-4 साल में होता था वो आप साल में 2 बार होने के पूरे चांसेज हैं। तो और यहाँ पे एक इशू हो रहा है कि क्या ईएसआईसी में अब तक 80-20 नहीं था, क्या आगे भी 80-20 होगा? तो इसका वहां पे लिखा हुआ है, ईएसआईसी ने जो नोटिफिकेशन निकाला है कि एम्स पॉलिसी विल बी फॉलो। तो एम्स की पॉलिसी में 80-20 है, तो इट मे बी और मे नॉट बी। तो ये डिसाइड करेगा ईएसआईसी जो अपकमिंग टाइम में जो इसका पोस्ट नोटिस आएगा तो उस टाइम पे पता चलेगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं मेजर वैकेंसी के बारे में जो हमारी 2024 और 2025 के बीच होने वाली है। मार्च अप्रैल तक एग्जाम भी हो जाएंगे इन सब के। तो नर्सिंग ऑफिसर की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं जो फिक्स पोस्ट है, जो फिक्स वैकेंसी उनके बारे में। आपने देख लिया होगा नोरसेट 8 है, उसकी डेट भी आ चुकी है कि इसका जो एग्जाम है वो जून में है। तो भाई जो एग्जाम ऑलरेडी फिक्स है आप उसके लिए जी जान लगा के तैयारी कर दो। माना 80-20 है बट आपको तो चाहिए, एक ही सीट चाहिए ना, एक सीट पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो आप करिए। तो नोरसेट ए तो आपका फिक्स एग्जाम है कि भाई होना ही होना है और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सारे इसके अंदर आने ही आने हैं। सेकेंड बात करते हैं हम आरआरबी की। तो आरआरबी का फॉर्म फिल हो चुका है जैसा कि आपको पता है और आरआरबी ने अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन निकाला है कि एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन द 2025 मार्च में इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो मतलब आपके पास सफिशियंट टाइम है, आपके पास अच्छा खासा टाइम है कि आप आरआरबी में, क्योंकि आरआरबी की भी बहुत अच्छी पोस्ट निकली हुई है जोन वाइज और इसमें सबसे अच्छी बात 80-20 नहीं है। तो दिस इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर बॉयज, मेल्स के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप इन 3-4 महीनों में, 6 महीने जो आपके पास है उनमें अपने जी जान लगा के मेहनत करो। जो भी आपको स्पेशल आरआरबी कोर्स लेना है, टेस्ट सीरीज लेनी है या जो भी कंटेंट आपको चाहिए आप वो ले सकते हैं। आरआरबी के लिए अच्छे से तैयारी करें, इसका पेपर कुछ ज्यादा टफ नहीं आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी अभी हमारी पीजीआई रोहतक की। बहुत सारे बच्चे हरियाणा के हैं जो वेट कर रहे हैं कि मैम पीजीआई रोहतक की वैकेंसी, बहुत टाइम हो गया आए हुए, लेकिन अब पूरे चांसेस हैं क्योंकि हरियाणा में 5 मेडिकल कॉलेज है जो अभी चल रहे हैं। उन 5 मेडिकल कॉलेज में बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज है नर्सिंग ऑफिसर्स की। तो इसको देखते हुए पीजीआई रोहतक इनकी वैकेंसी निकालेगा, श्योर मैं 100% बोल रही हूँ 2025 में पीजीआई रोहतक का एग्जाम होने वाला है। तो बी रेडी फॉर दैट मेजर वैकेंसी, बिग अपॉर्चुनिटी। उसके बाद अभी कोई वैकेंसी निकली हुई है एसएससी स्टाफ नर्स की, जिसमें कम से कम 2870 पोस्ट होने वाली है। तो आप एक बार इसका नोटिफिकेशन देख लेना। आई विल पुट ऑन माय टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, तो वहां से आप इसका पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हो। मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है मेडिकल हब सुनीता मैम के नाम से, तो उसका लिंक भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालती रहती हूँ, आप वहां से भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं ईएसआईसी की। ईएसआईसी का एग्जाम अभी हो चुका है तो इसकी वैकेंसी 6 मंथ के बाद जो हमारा नोरसेट 8 होने वाला है उसके अंडर इंक्लूड हो सकती है। पूरे चांसेस हैं वैकेंसी कम आएगी क्योंकि अभी ईएसआईसी का एग्जाम लगा है, बट वैकेंसी श्योर इसकी आएगी। उसके बाद एक और हमारी वैकेंसी रहेगी जीएमसीएच चंडीगढ़।
तो देखा होगा आपने GMCA चंडीगढ़, जिसके फॉर्म फिल किए जा रहे हैं और इसका एग्जाम भी बहुत ही जल्दी होगा। ये भी एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। सबसे अच्छी बात, GMCH में 80-20 अभी तक नहीं है, तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। और इसका पेपर बहुत इजी आता है, लास्ट टाइम मैंने दिया था, मेरा सिलेक्शन भी हो गया था बट आई नॉट ज्वाइन। तो इसका जो एग्जाम है उसमें ना देखो 70 क्वेश्चन तो बहुत बेसिक आते हैं, जिसको आप पढ़ते ही कर सकते हो। अगर जिसने बहुत ही अच्छे से देखो अपनी थ्योरी और एमसीक्यू का रखा है ना, वो इन क्वेश्चन को आराम से कर सकता है। इन 70 क्वेश्चन में से आपके अगर 50 क्वेश्चन भी सही हो गए तो आप आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी हम 30 की बात करें, 30 क्वेश्चन इसमें आते हैं स्किल वाले। स्किल वाले मतलब क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन, क्लिनिकल स्कैनर, वो भी इजी आते हैं। आप आराम से 30 में से 20 क्वेश्चन सही कर सकते हो और 70 मार्क्स पे आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको ये हमारी मेजर वैकेंसी कितनी होगी, GMCH, NORSET, RRB, PJ रोहतक, SSC, तो कम से कम 5 से 6 मेजर पोस्ट आने वाली है। अगर आप जी जान लगा के 6 महीने 4 महीने अपने आप को देते हो ना, तो कहीं ना कहीं मैं गारंटी लेती हूँ आपका सिलेक्शन श्योर है। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम हम 3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। भाई वहां पे कहीं ना कहीं आप कुछ लैकनेस कर रहे हो, या तो आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखा जिससे आप अपने आप को इवेलुएट नहीं कर पा रहे, या फिर आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है, या फिर आप MCQ प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा नहीं करते हो, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाते हो, या फिर एग्जाम टाइम में आपको एंजाइटी हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपका आपका सिलेक्शन रोक सकती हैं। चलिए तो अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये मेजर वैकेंसी के बारे में आपने देख लिया होगा, ये मेजर वैकेंसी है जिसके लिए आपको मेहनत करनी है, पढ़ना है। आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, मैं बोल रही हूँ कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है इन वैकेंसी के बारे में, स्टेप बाय स्टेप। मैंने जब मेरे 10-12 सिलेक्शन हुए हैं, आई पोस्टेड इन द एम्स दिल्ली, तो मैंने जैसे तैयारी करी थी मैं वो स्टेप आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहला स्टेप जब आपको बेसिक नहीं आएगा, मान लो आपने ये दीवार है, इसकी नींव खोदते हैं, इसके ऊपर ही दीवार टकती है, तो अगर आपने ये नहीं बनाया तो क्या ये दीवार टंगेगी? नहीं टंगेगी। तो सबसे पहले चाहे आप MCQ प्रैक्टिस करो, सबसे पहला स्टेप आप MCQ प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हो, आप एग्जाम भी देके आ रहे हो, बट रिजल्ट क्या मिल रहा है? नो रिजल्ट, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है, फर्स्ट स्टेप इज द थ्योरी और वो आपको पढ़नी है। अगर आपके पास कोई कोचिंग के नोट्स नहीं है, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी, तो थ्योरी के लिए मैं आपको बेस्ट बुक बता देती हूँ। वो बेस्ट बुक है आपकी एनक्लेक्स। एनक्लेक्स इज द बेस्ट बुक फॉर थ्योरी, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने इसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया तो इसके बाद आप MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज आराम से लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। और फिर भी अगर आप बोलते हो कि मैम ये बुक हैवी है, हमसे नहीं पढ़ी जाती, लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मेरे पास एक और सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए। देयर इज अ बेस्ट नोट्स, शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट आई एम हैविंग, तो आप ये नोट्स भी ले सकते हो। जैसे OBG के हैं मेरे पास, फार्मा के बहुत इजी नोट्स हैं और बहुत सफिशियंट नोट्स हैं, मैंने इन्हीं से ही पढ़ा था। और ऊपर से सबसे अच्छी बात, आई एम हैविंग सेपरेट ऑल फंडामेंटल प्रोसीजर, सारे फंडामेंटल के प्रोसीजर की ये छोटी सी जो बुक है इसमें सारे फंडामेंटल के प्रोसीजर हैं, और इनमें से कम हर बार NORSET में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं इन प्रोसीजर से, 10 से 12 से ज्यादा ही क्वेश्चन आते होंगे। तो सारे सब्जेक्ट के नोट्स मेरे पास हैं, इफ यू वांट तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम पे sunita13.96 पे आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, सबसे पहले आपने क्लियर कर ली अपनी थ्योरी, चाहे आप किसी भी कोचिंग के नोट्स से या फिर टारगेट या फिर आप अपनी एनक्लेक्स बुक से
थ्योरी क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, आपने थ्योरी पढ़ ली, उसके साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल करना है। लाइक आपने जेआईटी सिस्टम पढ़ लिया, अब जेआई सिस्टम की प्रैक्टिस सबसे पहले आप एक बुक उठाओगे जो बेसिक है आपके लिए, पीआर यादव, ठीक है। अगर पीआर यादव के क्वेश्चन निकल रहे हैं तो मतलब आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है, लेकिन अगर आपके पीआर यादव के क्वेश्चन नहीं निकल रहे तो यू हैव टू गो बैक टू द जेआई थ्योरी, जेआई की थ्योरी पे आपको वापिस आना है और उसको फिर से पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर आप जो भी टॉपिक आपके लैक रह रहे हैं उनको दोबारा पढ़ के दोबारा फिर पीआर यादव से एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, देन गो फॉर द एनक्लेक्स बुक एमसीक्यू, एनक्लेक्स बुक के एमसीक्यू जाना है जेआई सिस्टम के, ये आपका क्लियर हो गया। देन थर्ड स्टेप द जेआई सिस्टम का टेस्ट सीरीज, जेआई सिस्टम के आपको क्वेश्चन करने हैं टेस्ट सीरीज में, ठीक है। टेस्ट सीरीज हो गया, एमसीक्यू हो गया, दो बुक से सबसे पहले पीआर यादव, एनक्लेक्स। जब आपके आपकी एनक्लेक्स हो जाती है और आपके पास टाइम है तो यू गो फॉर द मोस्टबी बुक, और मोस्टबी बुक में जेआई सिस्टम के इतने अच्छे अच्छे एमसीक्यू दे रखे हैं, आप करोगे तो आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। उसके बाद टेस्ट सीरीज होगी, एमसीक्यू होगी, थ्योरी होगी, देन गो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जरूर लगाने हैं, बहुत जरूर लगाने हैं। देन लास्ट बात आती है, हाउ यू विल बी परफॉर्म इन द एग्जाम, हाउ यू विल बी इवेल्युएट योर सेल्फ इन द एग्जाम। द मेन पॉइंट इज द, आपने ये सारी चीजें तो कर ली बट यू डोंट नो हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम और हाउ टू प्रिवेंट द नेगेटिव मार्किंग इन द एग्जाम, दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो यू हैव टू वर्क ऑन नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग पे कब काम करोगे, वैन यू आर गोइंग अटेंडिंग टेस्ट सीरीज, जब आप टेस्ट सीरीज अटेंड कर रहे हो तो यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर नेगेटिव मार्किंग माइंड सेट एंड कॉन्फिडेंस, क्योंकि माइंड सेट एंड कॉन्फिडेंस एंड नेगेटिव मार्किंग, ये तीन चीजें आपने कर ली और आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता, दिस इज माय कॉन्फिडेंस एंड मेरा बिलीव है। तो आप तैयारी करते रहिए, मेहनत करें। तो हमने पांच मेजर वैकेंसी के बारे में डिस्कस किया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट ने बीएससी नर्सिंग कर ली है, जेएनएम कर ली, अभी की पास आउट है या जो तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए है। सबसे पहले नोरसेट 8 जो कि फिक्स वैकेंसी है, आरआरबी जिसका एग्जाम मार्च में होने वाला है, जीएमसीएच जिसका एग्जाम अभी दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कभी भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल, एसएससी की स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, और पीजे रोहतक इसकी अपकमिंग वैकेंसी, पीजे रोहतक की वैकेंसी भी जल्दी आपको देखने को मिलेगी। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू ऑल टू अचीव योर गोल्स एंड कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली होगी। इफ यू वॉन्ट एनीथिंग और एनी क्योरी रिलेटेड, एनी एग्जाम, आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, आपको कोई कोर्स बाई करना है, आपको नोट्स चाहिए, कुछ भी एक्स वाई जेड, यू वॉन्ट कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम sunita13.96। आई एम हैविंग माई ओन टेलीग्राम ग्रुप मेडिकल हब, सुनीता मैम के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिलेगा, ज्वाइन दैट ग्रुप। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक, थैंक यू, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स।